अधिक ज्वलनशील नहीं होने के बाद भी आपली बस के जलने के मामले कई सवाल खड़े कर रहे हैं। महज 2 महीनों में 3 डीजल बसें जलकर खाक हो गई, पर हर बार शॉर्ट सर्किट ही इसकी वजह बताई गई। मनपा आरटीओ अधिकारियों की शुक्रवार को ही बैठक में इसी मामले पर गहन मंथन हुआ। उसमें तय हुआ कि एक संयुक्त दल बनाकर ऑपरेटरों के डिपो का औचक निरीक्षण कर यह पता लगाया जाए कि डीजल में कहीं मिलावट तो नहीं हो रही। शुक्रवार को आरटीओ रविंद्र भुयार, प्रशासकीय अधिकारी रविंद्र पागे सहित अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें आग के कारणों पर चर्चा हुई। इसमें चूहों के बस की वायरिंग के कुतरने, डीजल में अतिरिक्त इथेनॉल व अन्य घटकों के मिलावट, आउटडेटेड हो चुके बसों को लेकर चर्चा हुई। रखरखाव के अभाव में कहीं बसों में आग तो नहीं लग रही, इस पर भी चर्चा हुई। आग लगने की गुत्थी सुलझाने के लिए VNIT के विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी। इसमें शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल विभाग के विशेषज्ञों ने मनपा का दौरा कर जानकारी ली। अगले हफ्ते मैकेनिकल विभाग के विशेषज्ञ दौरा कर आग के कारणों का पता लगाकर सुझाव देंगे। परिवहन विभाग के प्रशासकीय अधिकारी पागे ने बताया कि मनपा और आरटीओ का संयुक्त दल बनाया जाएगा। दल डिपो का औचक निरीक्षण करेंगे और डीजल में मिलावट की जाँच करेंगे। टीम रखरखाव का भी आकलन करेगी। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर।